आज इस वीडियो में हम लोग दर्शन करेंगे किले वाली माता जी के और साथ मिलकर इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करेंगे कुछ इस तरह से। और लगभग अभी मैं 100 फीट ही चढ़ा हूँ और थकान महसूस होने लगी। सिर्फ 100 फीट चढ़ने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ पहाड़ी की चोटी पर। बोलो किले वाली माता जी की। फाइनली दोस्तों हम लोग पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके हैं। देखिए जहाँ पे भी जाता हूँ ऐसा सौभाग्य मिल जाता है, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं मुझे। नज़ारे खूबसूरत है लेकिन इतना चटका लग रहा है धूप का, लगभग 42 डिग्री टेम्परेचर है अभी का। यहाँ ऊपर पहुँचने के बाद सब लोग की हालत ख़राब हो गई दोस्तों, पेड़ों के वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। अब हम लोग पहाड़ी की चोटी पर आ चुके हैं, पहाड़ी की चोटी से दिखाई दे रहा है। मैं बोल रहा हूँ अच्छे से दिखाओ, हंस हंस के बताओ, इसलिए हंस रहे हैं सब लोग। देखिए दोस्तों फोटोग्राफी हो रही है और मैं सबको डिस्टर्ब करने आ जाता हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे फोटो खिंचा के? इसको बोलते झूठी हंसी। एक्चुअल में सब थक गए हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल फ्लाई लाइक विंग्स। मेरा नाम अभ्युदय है और आज हम लोग इस वीडियो में दर्शन करने जा रहे हैं किले वाली माता जी के, जो कि इस पहाड़ी की चोटी पर विराजमान है। और दोस्तों किले वाली माता मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले के दल्ली राजहरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आप गूगल मैप की मदद से इजिली इस लोकेशन तक पहुँच सकते हैं। ये जो सीसी वाली रोड देख रहे हैं ना, इसी सीसी रोड के थ्रू हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये जो एरिया देख रहे हैं खाली वाला, इसी में सब लोग अपनी बाइक खड़ा करते हैं। हम लोग ने अपनी बाइक को यहाँ पे पार कर दिया है। सीसी रोड के थ्रू आप लोग आधे पहाड़ को चढ़ सकते हैं और यहाँ से जहाँ से पहाड़ शुरू होता है वहाँ पर मुख्य द्वार है और वो मुख्य द्वार कुछ इस तरह से दिखाई देता है। दोस्तों ये मंदिर कोटा गांव के अंतर्गत आता है, यह मुख्य द्वार है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं किले वाली माता का। तो हम लोग दल्ली राजरा से होते हुए आए हैं दोस्तों और लगभग 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये मुख्य द्वार। हम लोग जिस रोड से आए हैं ये रोड को महामाया रोड कहा जाता है। ये महामाया मंदिर तक जाती है और जंगल के बीचों बीच स्थित है ये मुख्य द्वार। यहाँ से जो ये रोड है ये रोड हमको पहाड़ी के ऊपर तक लेके जाएगी। तो मैं जा रहा हूँ ना तेंदू का मज़ा लेते हुए मेरे पापा जी, गाड़ी हमने वहाँ पे बाइक को पार कर दिया। अब ये जो सीढ़ियाँ हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये सीढ़ियों के थ्रू हम लोग पहाड़ी की चोटी तक जाएंगे जहाँ पर माता जी विराजमान है। कितना सुंदर लग रहा है ये जंगल, आप देख सकते हैं ये पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। जंगल में यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, शांति। केवल देख ये झिंगूर है, आप बैकग्राउंड में उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, काफ़ी देर से उसी की आवाज़ आ रही है। जंगल में ऐसी आवाज़ आती रहती है। और लगभग अभी मैं 100 फीट ही चढ़ा हूँ और थकान महसूस होने लगी और सीढ़ी भी उतनी खड़ी नहीं है, मज़ेदार है। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि आधी चढ़ाई तो आप गाड़ी के थ्रू ही कम्प्लीट कर लेते हैं, 100-200 फीट आपको बस ट्रैक करना पड़ता है। मंदिर नीचे से ही देखने को मिल जाता है मुख्य द्वार से और बोरदी डैम का खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं पेड़ों के कारण अभी ठीक से नहीं दिख रहा है लेकिन जब जैसे हम लोग टॉप पहुंच जाएंगे तो दिखने लग जाएगा, बोरदी डैम कहा जाता है इसे। और सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ और कुछ देर पहले ही दोस्तों वहाँ पर सीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी है। यहाँ से कुछ इस तरह से मेड़ वाला रास्ता शुरू हो गया है। सिर्फ 100 फीट चढ़ने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ पहाड़ी की चोटी पर। अभी भी थोड़ा सा लग रहा है चढ़ाई है। जगह जगह पर सीट्स हैं, चेयर्स लगाए गए हैं ताकि आप बैठ सकें। शाम के वक्त आएंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे चढ़ने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। हमारे साथ एक भैया भी जुड़ गए हैं और क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रमेश साहब। रमेश भैया जी हैं, पहली बार आ रहे हैं भैया? हाँ पहली बार। अच्छा, तो किले वाली माता जी के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, इसके बारे में नहीं जानते। चलिए आपका साथ मिल गया आधे रास्ते से, चलो बढ़िया। और एक चीज़ और है दोस्तों कि 100 फीट ही चढ़े हैं और 200 फीट में मंदिर पहुंच जाते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं है। क्यों भैया? थकान नहीं हुई इतनी? अभी सीढ़ी बना नहीं है तो थकान नहीं है। अच्छा, सीढ़ी बन जाएगी तो थकान लगती है। यहाँ पे देखिए शिवलिंग है दोस्तों जो कि एक पेड़ पे बना है। दोस्तों मैंने सोचा था मैं अकेला चढ़ रहा हूँ लेकिन अब बहुत सारे श्रद्धालु आ चुके हैं। बोलो किले वाली माता जी की। थकान हुई आपको? नहीं हुई ना, उतना चढ़ाई नहीं है, बस हमें पसीना ज़्यादा आता है। यहाँ से देखिए दोस्तों चढ़ाई जो ढलान है कितनी तगड़ी। तो
फाइनली दोस्तों हम लोग पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके हैं और पहाड़ी की चोटी पर हम लोग को बहुत सारी चट्टानें देखने को मिली है और ये चट्टानें हमें नीचे से ही देखने को मिल जाती है और इन्हीं बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर मंदिर विराजमान है। यहाँ पर द्वार है मंदिर का, गणेश जी की प्रतिमा है और यहाँ पर श्री गणेशाय नमः लिखा हुआ है और मेरे साइड का जो व्यू है उसे आप लोगों को दिखाते चलता हूँ मैं। वहाँ पे हम लोग ने अपने जूते उतार दिए हैं मुख्य द्वार के सामने और वो जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं वो पूरा माइनिंग रेंज है दोस्तों। वहाँ पे पूरी माइनिंग की जाती है इस पूरी पहाड़ियों में और आयरन ओर निकाला जाता है। दल्ली राजहरा से आयरन ओर को बिलाई स्टील प्लांट तक ले जाया जाता है और मेरे ठीक इस तरफ चट्टानों पर मंदिर बनाया गया है और सबसे ऊपर वाले ये जो है ज्योति कक्ष है दोस्तों। ये जो रूम बनाया गया है ज्योति कक्ष है, ये जो सबसे बड़ी चट्टान आप देख रहे हैं ना इसी चट्टान के ऊपर किले वाली माता जी का मंदिर है। इतने खूबसूरत नज़ारे को देखते देखते हम लोग पहाड़ चढ़ गए और धूप भी काफ़ी तेज़ है, हल्की हल्की सी छांव आ रही है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे नज़ारे को देखने के बाद थकान भूल जाते हैं दोस्तों। मंदिर कुछ इस तरह से दिखाई देता है दोस्तों। यहाँ पर काली माता जी की प्रतिमा है, ये कांटे वाला झूला है जिसमें माता जी को बैठाया जाता है जिनके ऊपर माता आती है। यहाँ पे राधा कृष्ण भगवान की बहुत ही प्यारी सी चित्र बनाया गया है। ये पूरा मंदिर का प्रांगण है दोस्तों। यहाँ पर काली माता जी की प्रतिमा, झूला लगा हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है माता जी का, ये यहाँ पर चबूतरा बनाया गया है बैठने के लिए और ये है मंदिर का गर्भगृह और यहाँ पर किले वाली माता जी विराजमान है। जय किले वाली माता। दोस्तों थोड़ा बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो चुका था मैं, इसलिए पसीना पोंछने के लिए और अपने आप को ठंडा करने के लिए, कैमरे को ठंडा करने के लिए यहाँ पे बैठा था और यहाँ पे जितने सारे श्रद्धालु आए हैं उनसे मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को बताइए? मज़ा आ रहा है अंकल? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मंदिर आप लोग के साथ चढ़ाई करके बहुत अच्छा लगा। मजा आया हम लोग को भी। आप लोग को मजा आया ना? बिल्कुल भैया। आपको भी भैया? देखिए जहाँ पे भी जाता हूँ ऐसा सौभाग्य मिल जाता है, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं मुझे और मुझे तब अच्छा लगता है। अकेले के चढ़ रहा था तो मजा नहीं आ रहा, अब मजा आया आप लोग के साथ। सच में अब लग रहा है कि मैं भी एक फैमिली के साथ आया हूँ। ऐसा ही होता है दोस्तों। और हम सब यहाँ पर बैठ के क्या देख रहे हैं आप देख सकते हैं, ये व्यू है दोस्तों। इसी व्यू के लिए हम लोग इस इतना परिश्रम करके ऊपर तक आए हैं और दल्ली राजहरा का बहुत ही फेमस मंदिर है ये, क्यूंटी है ना। चढ़ते वक्त बता रहा था ना दोस्तों कि जो जलाशय हम लोग को देखने को मिल रहा है वो बहुत खूबसूरत है, पेड़ों के वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। अब हम लोग पहाड़ी की चोटी पर आ चुके हैं, पहाड़ी की चोटी से दिखाई दे रहा है बोरदी डैम का जलाशय। दोस्तों यहाँ पर मुझे फ्रेंड्स मिल गए, हाय बोल दीजिए। इधर भी एक फ्रेंड मिल गई है, आप भी हेलो बोल दो। अच्छा मेरे कारण ही आप लोग यहाँ पे रुके हैं ना, आराम करने के लिए दादी? जी जी जी। अच्छा अच्छा, और हमको यहाँ पे आना कितना अच्छा लगता है बताइए। बहुत बढ़िया लगता है, हम ओकेशनली आते ही रहते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स लोगों के साथ चिल करने के लिए और मतलब वेदर्स और इसको एंजॉय करने के लिए। अगर आपके घर से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर इतनी अच्छी ट्रैकिंग हो तो क्यों नहीं आएंगे। तो आप लोग से मिलके सब मेरे को बहुत अच्छा लगा जी। आपको भी मजा आया भैया? ऐसा लग रहा है जैसे कोई परिवार मिल गया सच में। अरे थैंक यू दादी जी, आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा जी और आपसे भी जी। ये फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर। अच्छा फोटोग्राफर वो है? अच्छा फोटो आप हो क्या? अच्छा आप हो, आप भी फोटो खींचते हो? नहीं एवरेज, बस फ्रेंड लोगों के साथ ही घूमता रहता हूं। मैं भी एवरेज हूँ दोस्तों, आपको क्या लगता है? ये जो सबसे खतरनाक एरिया में भैया जी ने लाया है मुझे, लाया नहीं है मैं खुद आ गया हूँ क्योंकि अब लग रहा है कि यहाँ पे एंड करना अच्छा रहेगा। यहाँ से अंदाजा होगा दोस्तों आप लोग को, यहाँ से डायरेक्ट डीप है। अरे वाह वहाँ पे देखिए, वो देखो धुआं उठ रहा है। अच्छा ब्लास्ट हुआ, आवाज आई? मेरा थोबड़ा से लेकर नीचे पैर तक दिखना चाहिए मेरा थोबड़ा।
देखो कैम, बस आप खड़े रहोगे ठीक है, पूरा आ रहा हूँ। अच्छा मेरे को बादल कर, मेरे को लगा बादल कर जा। अरे वाह यार, इतनी जबरदस्त चीज को मैंने मिस कर दिया। अरे वाह, अरे भैया हाथी आ रहा। पहले हाथ नहीं भैया, पैर रखो, पैर रखो वहाँ, पैर रखो क्योंकि हाथ आपका वजन ज्यादा हो, घुसेड़ हो जाएगा। हाँ पहले हाँ पैर रखिए आराम। मेरे अनुमान के हिसाब से 200 फीट ऊपर और वहाँ से और डाउन हो जाता है। इतना काफी है। काफी देर से हम लोग महामाया मंदिर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और भैया जी ढूंढ लिए और भैया जी ने बताया वहाँ पर है महामाया मंदिर। आप किले वाली माता मंदिर से महामाया मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और उसकी दूरी यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी है गूगल मैप के हिसाब से, और यहीं से रास्ता जाता है, महामाया रोड के नाम से रास्ता है, वही ले जाएगा आपको वहाँ तक। तो दोस्तों आज हम लोग ने इस वीडियो में इस पहाड़ी की चढ़ाई करी, यहाँ से दिखाई देने वाले खूबसूरत नज़ारे को देखा, साथ मिलकर किले वाली माता जी के दर्शन किए और बहुत सारे फ्रेंड्स लोग से मिला जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड मैं आप सभी से कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। दिल से आप सभी को शुक्रिया जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और अपने लाइफ का कीमती समय निकाल कर हमारे वीडियोस को वॉच करते हैं, उन्हें दिल से शुक्रिया। और एक और बार शुक्रिया कहना चाहूँगा दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट के वजह से आज हमारा चैनल 900 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका है। और टिल देन बी हैप्पी ऑलवेज, टेक केयर एंड किले वाली माता जी की जय। किले वाली माता जी की जय। चलिए इस लोकेशन को तो विजिट कर लिया साथ मिलकर और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों वो महामाया मंदिर को कवर करेंगे जो कि यहाँ 7 किलोमीटर दूर दिखाई दे रहा है उस पहाड़ी पर, आज ही के दिन कवर करने जा रहे हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा करके मैंने इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो चलिए अब नीचे की ओर उतरते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।